हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम में और हमारा टॉपिक है घर्षण, फ्रिक्शन। देखिए, घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे चल के बहुत से टॉपिक को इसके कॉन्सेप्ट टच करेंगे, इसके हेल्पर बनेंगे। घर्षण से बहुत से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर होते हैं। बाद में हम घर्षण को वृत्ति गति के साथ में जब कंबाइंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, घर्षण। घर्षण इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिक्शन। घर्षण क्या है? देखिए, मैंने आपको फिजिक्स में कई बार डिस्कस किया कि फिजिक्स में एक टर्म है बल, फोर्स। और मैं समझता हूँ फिजिक्स में बल को जितने अलग अलग नामों से जाना जाता है उतना और किसी भौतिक राशि को नहीं जाना जाता। तो बल का फिजिक्स में बहुत सा नाम है, अलग अलग परिस्थितियों में बल का नाम अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर भी घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। वास्तव में घर्षण एक बल है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार का बल है। पहले तो हम समझिए कि घर्षण है क्या। तो घर्षण एक तरह का बल है। तो किस तरह का बल है ये? घर्षण एक विरोधी बल है। विरोधी बल मतलब, यदि मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट लिखूँ, खाली बल नहीं, तो हम इसको कह सकते हैं घर्षण क्या है? एक विरोधी बल है, अपोजिशन फोर्स है। अपोजिशन फोर्स विरोधी बल माने विरोध करने वाला बल। किस तरह का विरोध करने वाला बल? यह एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति अवस्था, स्थिर अवस्था में है तो गति में लाने का विरोध करता है, और गतिशील अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में लाने का विरोध करता है। तो यह एक प्रकार का विरोधी बल है। उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास एक इस तरह का एक सतह है। ये मान लो ये कोई टेबल सपोज के लिए, कोई भी एक सतह है, और इस सतह के ऊपर में हमने एक दूसरे वस्तु को रखा हुआ है। ये एक वस्तु रखा हुआ है उसके ऊपर, जैसे टेबल के ऊपर सपोज कोई बुक रखा हुआ है। अब यदि हम इस ऊपर के पिंड पर बल F लगाएं, तो बल F लगाने से क्या होता है? ये नीचे का जो पिंड है ये गति अवस्था में आना चाहता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पुश करेंगे, ढकेलेंगे, तो गति अवस्था में आना चाहेगा। तो इसके गति अवस्था में आने का ये जो नीचे वाला पिंड है ये उसका विरोध करता है, ये उसका अपोज करता है। और यही अपोज करने वाला जो बल है उसको हम घर्षण बल बोलते हैं, और इसकी दिशा होती है इसके ठीक विपरीत दिशा में, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे Fs, S फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे मैं बताऊंगा उसको। तो ये है यहाँ पर घर्षण बल जो इसके गति का विरोध करता है। तो इस प्रकार से हम घर्षण की क्या परिभाषा कर सकते हैं? यदि कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सतह पर गति करे, फिसले या फिसलने का प्रयास करे, यदि एक पिंड किसी दूसरे पिंड के सतह पर फिसले या फिसलने का प्रयास करे, तो नीचे का पिंड उसके गति का विरोध करता है, और इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, या घर्षण कहते हैं। क्लियर? ये है एक विरोधी बल। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं घर्षण का कारण। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी आप कोई भी फिजिक्स में कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जब आप पढ़ते हैं, तो फिजिक्स स्टडी का पर्पस ही है कि हमको उसका रीजन पता होना चाहिए, कारण। घर्षण तो हम समझ गए कि घर्षण एक विरोधी बल है कि जो गति का विरोध करता है, फिसलता है तो फिसलने के प्रयास का विरोध करता है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये घर्षण का बल उत्पन्न क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? जैसे आपको एग्जाम में पूछा सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके कारण पर मल्टीपल चॉइस से पूछा जा सकता है कि घर्षण का कारण क्या है, घर्षण बल किसे कहते हैं, घर्षण का कारण बताइए। तो घर्षण के कारण के दो मत हैं। एक तो पहला क्लासिकल जो ओपिनियन है, पुराना जो मत है, वो है अंतर ग्रंथन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरलॉकिंग। अंतर ग्रंथन इस तरह से लिखेंगे, अंतर ग्रंथन, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग या अंतर्ग्रंथन, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्या कारण है। पहला कारण, तो अंतर्ग्रंथन का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई भी पिंड है उसका सतह, मान लो आप इस दुनिया में किसी भी पिंड को सबसे ज़्यादा स्मूथ, चिकना समझते होंगे, मान लो कांच का सतह है,
कांच के सतह को हम एकदम स्मूथ चिकना मान के चलते हैं, उसको भी उसके बारे में भी हम बात करें तो वास्तव में इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड नहीं है जिसका जो सतह है वो पूर्णतः समतल हो या चिकना हो। क्यों? क्योंकि उसका कारण क्या है कि कोई भी सतह, किसी भी पिंड का जब सतह होगा तो उसके सतह में क्या होंगे, एटम होंगे। फिर एटम से ही तो कोई मटेरियल बनेगा, तो उसके सतह में जो एटम होंगे, अणु होंगे, अणु परमाणु होंगे, वो क्या होंगे, गोली होंगे, स्फेरिकल होंगे। और जब कोई गोला, बहुत सारे गोलाकार चीज को यदि आप अरेंज कर दोगे तो सतह तो एकदम समतल नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी भी पिंड के सतह को यदि माइक्रोस्कोप से देखें या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो जिसको आप बहुत स्मूथ समझते हैं उसको आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसका अरेंजमेंट आपको इस तरह का दिखाई देगा, क्योंकि ऊपरी सतह में जो एटम है वो सब गोलाकार है और गोलाकार होने के कारण इस तरह से उसमें आकृति बनेगा। इस तरह से नीचे का पिंड है और एग्जैक्ट वैसे ही क्या है, ऊपर में जो पिंड आप रखे हैं वो ऊपर का पिंड का भी सतह क्या है, इस प्रकार से गोलाकार है। तो यहाँ पर जो ये संपर्क सतह आप देख रहे हो, वास्तव में वहाँ का सिचुएशन माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। क्लियर? अब होता क्या है, जैसे ही हम ऊपर के पिंड में बल लगाते हैं, मान लो हम यहाँ पर बल F लगाते हैं, तो बल F लगाने से आप यहाँ पर देखो ये जो कैविटी बनी हुई है, मतलब यहाँ पर मैं एक आपको और डायग्राम बता दूँ तो ये एक पिंड है और जो ऊपर का दूसरा पिंड है वो ये जो कैविटी, मतलब इस तरह से कैविटी मतलब एक गैप, गड्ढा बना हुआ है, वहाँ पर आके इसका एटम क्या होता है, इस तरह से फंस जाता है, ये वाले गैप में आप समझ रहे होंगे। तो वहाँ पर उसके वहाँ पर आके वहाँ अटैच हो जाता है ये, और वो फिर यहाँ पर ये इसको रोकता है। आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि उसको रोकता है, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसे नीचे गड्ढे में चला जाएगा तो आगे उठने में उसको परेशानी होगी। तो यहाँ पर यही जो बल है वो विरोधी बल है, जो उसको विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो ये है एक मत, एक पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी आ चुका है तो अंतर्ग्रंथन, लेकिन यह भी मान्य है। तो अंतर्ग्रंथन के कारण किसी भी पिंड में घर्षण का बल उत्पन्न होता है। और दूसरा जो है, दूसरा जो कारण है वो है अंतर आणविक आकर्षण, अंतर आणविक आकर्षण, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या यहीं पर हम इसको अपन समझेंगे ससंजक बल। ये ससंजक बल जिसको हम आगे चल के द्रव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये इसका कारण है, अंतर आणविक आकर्षण कहें या ससंजक बल। ये इसका दूसरा कारण है जो घर्षण के लिए जिम्मेदार। ये किस तरह की बात होती है, देखो अंतर आणविक आकर्षण मतलब क्या होता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में आता है तो उसके एटम नीचे के एटम को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण के कारण, जैसे मान लो ये अपने पास, ये सपोज मेरा दो मार्कर है, इसको मैं एक के ऊपर एक रखा, तो ये दोनों के एटम जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब जब मैं ऊपर के मार्कर को आगे खिसकाना चाहूँगा तो नीचे के मार्कर के एटम चूंकि उसको क्या करें, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, तो उसको वो गति का विरोध करेंगे और यही घर्षण का कारण है। या हम कह सकते हैं ससंजक, ससंजक बल का बल इस तरह से दो प्रकार के होते हैं, असंजक बल और ससंजक बल, जिसको हम द्रव के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ससंजक बल का मतलब होता है समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, सम माने समान, आप ऐसा याद रखिए कि सम माने समान अणु, एक टाइप के अणु, मतलब ठोस तो ठोस, दोनों द्रव, इस तरह से। तो समान अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो ससंजक बल कहलाता है। तो एक पिंड के ऊपर जब हम दूसरे पिंड को रखते हैं तो नीचे के पिंड और ऊपर के पिंड के जो अणु हैं वो ससंजक बल के कारण एक दूसरे को खींचे हुए रहते हैं। एक्चुअल में यही यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण है। तो कभी भी आपको, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हैं जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और वहाँ पर यदि आपको पूछे कि घर्षण का कारण क्या है, तो चार ऑप्शन में यदि अंतर्ग्रंथन रहे तो यही सही है, और चार ऑप्शन में ये गायब रहे, ये रहे, तो वो सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों रहे
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दोनों उसका कारण है। और ऐसा रहे तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा, ए तथा बी दोनों, मतलब घर्षण का कारण ये दोनों है। अंतर्ग्रंथन भी है, ये जो मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक आपको बताया कि किस तरह से वो कैविटी में धंस जाता है नीचे, और ये बताया, तो ये इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक मत है जो सेकंड नंबर में बताया, क्लियर। तो ये मैंने आपको डीपली घर्षण के बारे में बताया कि एक्चुअल में घर्षण होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार देखिए, घर्षण बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाला और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि घर्षण के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। विदाउट घर्षण अपन कार्य इमेजिन ही नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई कार्य हो। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से होता है। अब हम देखते हैं घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। तो पहला होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। आप लोग को मेरा सजेशन है कि इंग्लिश नाम को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तैयार करते चलिए, अदरवाइज आपको हायर क्लास में जाके या IIT JEE नीट के प्रिपरेशन और सिलेक्शन के बाद आपको परेशानी होगी। इसलिए मैं अपने हर हिंदी मीडियम के क्लास में, इंग्लिश मीडियम के क्लास को तो मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम के क्लास में मैं टर्मिनोलॉजी को, टर्मिनोलॉजी मतलब जो साइंटिफिक टर्म है, उनको दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको फ्यूचर में आप लोग को प्रॉब्लम मत हो, इसको मैं ध्यान में रखें, क्लियर। दूसरा होता है गतिक घर्षण, गतिक घर्षण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये दोनों के बीच में एक और घर्षण का प्रकार नहीं कह सकते, लेकिन एक कंडीशन बनता है, वो कहलाता है सीमांत घर्षण। इसका प्रकार नहीं कह सकते, ये इसके बीच की स्थिति है, सीमांत घर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम यहां पर देखते हैं कि तीनों है क्या, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। नाम से स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण मतलब जैसे दो स्थिर पिंडों के बीच में जो घर्षण बल लगता है, मतलब यदि पिंड स्थिर हैं, एक बुक एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में घर्षण बल अप्लाई है, दोनों के बीच में घर्षण बल लग रहा है, तो उसके स्थिर अवस्था के कारण, नाम से स्पष्ट है, उसकी स्थिर अवस्था के कारण जो घर्षण बल लगा हुआ है वो क्या है, स्थैतिक घर्षण है। लेकिन गतिशील पिंड के साथ में जो घर्षण बल लगा हुआ है, जैसे हम यदि कार पर मूव कर रहे हैं, रोड में कार चला रहे हैं, तो कार के गतिशील टायर और रोड के बीच में जो घर्षण लगेगा वो क्या है, गतिक घर्षण है। मतलब स्थिर पिंडों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण है, और गतिशील पिंडों के बीच में जो घर्षण बल लगता है वो क्या कहलाता है, गतिक घर्षण कहलाता है। अब यहाँ सवाल उठता है सीमांत घर्षण का। सीमांत घर्षण देखो, नाम से स्पष्ट है, सीमांत मतलब सीमा का अंत। यहाँ पर मैं एक पिंड रखा हूँ, और इस पिंड के ऊपर में सपोज, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये दूसरा पिंड रखा हुआ है और ये अभी स्थिर अवस्था में है। जैसे ही इस पर मैं बल लगाना शुरू करूँगा, तो आपको मालूम है बल लगाते ही वो क्या होगा, गति करना शुरू नहीं करेगा। सपोज कोई भारी वजनी चीज़ रखा होगा, अब उसको मेरे को खिसकाना है, तो उसमें बल लगाता हूँ, अब मैं उसको हिला भी नहीं पाता, तो किसी और को बुलाता हूँ, भैया तू भी आ जा, थोड़ा मेरे साथ बल लगा, ये खिसक नहीं रहा है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पिंड और इस पिंड के बीच में जो घर्षण बल है, जो इस दिशा में लगने वाला है या लग रहा है, जिसको हम FS कह दें, वो जो घर्षण बल है मेरे द्वारा इस लगाए गए बल से ज़्यादा है, क्लियर। जैसे मैं जितना बल लगा रहा हूँ, मान लो मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, लेकिन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल है 20 न्यूटन का है, तो मैं पिंड को हिला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे द्वारा लगाए गए बल कम है। तब मैं क्या करूँगी, बल करूँगा, बल की मात्रा को बढ़ाऊँगा। बल की मात्रा को बढ़ाने के लिए मैं कोई और रिसोर्स, किसी को बुलाऊँगा कि भाई तू भी ढकेल दे, तो मैं इसकी मात्रा को, बल की मात्रा को बढ़ाने लगूँगा। अब होगा क्या, पहले ये स्थैतिक घर्षण में था, लेकिन जब मैं बल की मात्रा को बढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे मेरा जो बल है या हमारे द्वारा जो लगाया गया बल है, इस घर्षण बल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
तो पिंड स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाएगा, और जिस समय जिस बल पर जिस कंडीशन में वह स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसको बल लगा रहा था अभी वो आगे नहीं जा रहा है लेकिन बल की मात्रा को पढ़ाया, तो जिस समय, मतलब वह एक शार्प पॉइंट है कि जिस समय कोई भी पिंड स्थिर घर्षण से गतिक घर्षण में परिवर्तित होता है उस समय घर्षण की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। नाम से स्पष्ट है सीमांत माने सीमा का अंत, किसकी सीमा का, स्थैतिक घर्षण के सीमा का अंत हो जाता है और गतिक घर्षण का सीमा, गतिक घर्षण स्टार्ट हो जाता है, मतलब दोनों के बीच का जो शार्प पोजिशन है वही क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। क्लियर, मतलब इसके बीच में हम यदि इस तरह से एक छोटा सा ग्राफ से समझ लें ये, तो मान लो ये स्थैतिक घर्षण की स्थिति है और ये कर्व सीमांत घर्षण की स्थिति है, इसके बाद क्या है मान लो गतिक घर्षण की स्थिति है। क्लियर, ये स्टैटिक घर्षण है, ये लिमिटिंग, इतने देर तक किसने क्या किया, स्थिर से गति में आने का प्रयास किया और एक गति अवस्था में चला आया, ये कहलाता है घर्षण के प्रकार, स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण और सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे हमको कई टॉपिक को समझने हैं। क्लियर, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं घर्षण के नियम, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थैतिक घर्षण के नियम, दोनों के अलग अलग नियम पढ़ेंगे और नियम के मैक्सिमम पॉइंट क्या है, कॉमन है, दोनों के नियम का जो पॉइंट है वो कॉमन है। ठीक है, इस तरह से अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्थैतिक घर्षण के नियम, स्थैतिक घर्षण के नियम, ठीक है, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण का नियम क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्थैतिक घर्षण जो होता है, मतलब यहां पर सपोज एक पिंड है और इसके ऊपर में हम एक दूसरा पिंड रखे हुए हैं इस तरह से, तो ये अभी स्थैतिक घर्षण के कंडीशन में ही इसमें हम बल एफ लगा रहे हैं और इधर इसमें लग रहा है एफ एस और ये इस पिंड का द्रव्यमान है एम जी और आपको पता है कि उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है। पीछे के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी पिंड का जो भार होता है वह उसके द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, लिफ्ट में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसका नियम, पहला नियम कहता है कि स्थैतिक घर्षण जो होता है वह दोनों के संपर्क सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, मतलब उसके कॉन्टैक्ट एरिया पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। तो ये इसके थ्योरेटिकल पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है, जो स्थैतिक घर्षण का वास्तव में नियम ही है, वो नियम कहता है कि यहाँ पर जो स्थैतिक घर्षण बल लगता है, मतलब एफ एस, एफ एस को ध्यान रखना, एस फॉर स्टैटिक इंग्लिश में क्या होता है, जो इंग्लिश नाम होता है उसी के संकेत से वो चलता है, इसीलिए मैं इंग्लिश में भी आपको नाम बताता हूँ। एफ एस मतलब स्थैतिक घर्षण जो बल होता है वह इस पर लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ये है स्थैतिक घर्षण का मुख्य नियम, मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, देखो ये पिंड जितना भारी होगा उतना ही क्या होगा, मतलब इसका आर का मान बढ़ेगा तो घर्षण बल का मान भी पीछे की ओर बढ़ेगा। यही मैं भी आपको एग्जांपल में बताया कि एक बहुत बड़ा पिंड मेरे से हिल भी नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि उसका अभिलंब प्रतिक्रिया, दैट मीन्स उसका भार क्या है, अधिक है, भार अधिक था इसीलिए घर्षण बल का मान भी क्या था, अधिक था और मैं बल लगा के भी उसको आगे नहीं खिसका पा रहा था। इस बात से क्या पता चलता है, या एक सामान्य से एग्जाम्पल दूँ आपको कि आप हल्के पिंड को ऐसे एक हाथ में ढकेल देते हैं लेकिन भारी पिंड को आप ढकेल नहीं पाते, क्यों, क्योंकि जो हल्का पिंड होता है उसकी प्रतिक्रिया बल कम होती है और इस कारण उसमें घर्षण बल भी कम होता है, लेकिन जो भारी पिंड होता है, जो वजनी होता है, उसका प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होता है और प्रतिक्रिया बल ज़्यादा होने के कारण घर्षण बल भी ज़्यादा होता है। तो ये स्थैतिक घर्षण का नियम है। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज इसको हम लिख सकते हैं एफ एस इक्वल, अब यहाँ पर हम बराबर में बदलेंगे समानुपातिक चिन्ह को, तो एक समानुपातिक नियतांक का गुणा करना पड़ेगा जो कि क्या है, म्यू एस है, और इनटू आर को हम क्या लिख सकते हैं, एम जी, या अपन आर ही
रखते हैं, कभी भी हम उसको एम जी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ये हो जाएगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, और यहाँ पर ये जो म्यू एस है वो कहलाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब हिंदी इंग्लिश में उसको कहते हैं कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस कहलाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। देयरफॉर आगे हम इसको सॉल्व करें तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा एफ एस अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको हाईलाइट करके रखना है, इसको आगे याद करना है, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। तो ये है स्थैतिक घर्षण के नियम। दो सामान्य पॉइंट है कि सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मुख्य रूप से जो घर्षण है वह पिंड के भार मतलब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है? कि वह उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्थैतिक घर्षण गुणांक, और स्थैतिक घर्षण गुणांक की हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं? घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को, घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता क्योंकि यह भी बल है, दोनों के मात्रक क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यह कहलाता है स्थैतिक घर्षण बल। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं गतिक घर्षण। बिल्कुल इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा कॉमन है। यहीं पर मैं आपको बता दूं गतिक घर्षण के नियम। गतिक घर्षण के नियम, तो यहां पर गतिक घर्षण के नियम का मतलब क्या है कि जो गतिशील पिंड है वो उस पर किस तरह का नियम लागू होता है? तो सेम यही कंडीशन है। अब यदि यह पिंड हम ज्यादा बल लगाए तो गति अवस्था में आ गया, मतलब यहां पर जो स्थैतिक घर्षण है वो गतिक घर्षण में बदल जाएगा। मतलब इस तरह से हम उसको कह सकते हैं ये एक पिंड है और अब ये इस पिंड के ऊपर है जिस पर हम बल एफ लगाए हैं, और अब ये क्या है? मोशन कंडीशन में है, मतलब अब ये रेस्ट में नहीं है, अब उसके ऊपर वो फिसल रहा है। आप उसको इमेजिन करिए, यहाँ पर ये इसके ऊपर में स्थिर रखा हुआ है, जैसे एक बुक को टेबल के ऊपर मैं रखा हुआ भी रखा है लेकिन मैं ढकेला तो अब बुक क्या है? टेबल पर मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में इस दिशा में जो घर्षण बल लगेगा उसको हम कहेंगे एफ के। के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बाकी पॉइंट तो सेम टू सेम रहेंगे, ये हो जाएगा एफ के प्रोपोर्शनल टू आर। दैट इंप्लाइज यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो एफ के इक्वल टू यहाँ पर गुणा करेंगे म्यू के इंटू आर। जैसे यहाँ पर एफ एस क्या था? स्थैतिक घर्षण गुणांक था, तो यहाँ पर म्यू के क्या हो जाएगा? गतिक घर्षण गुणांक हो जाएगा। गतिक घर्षण गुणांक कहेंगे हम इसको, म्यू के को। बिल्कुल सेम सिमिलर टॉपिक है। अब आर को इधर ट्रांसफर कर दें तो म्यू के इक्वल टू हो जाएगा एफ के अपॉन आर। बस आपको एस के जगह में के लिख देना, एस मतलब स्टैटिक और के मतलब काइनेटिक। स्थिर अवस्था में हो तो स्टैटिक म्यू एस, और गति अवस्था में हो मोशन कंडीशन में हो तो गति घर्षण गुणांक। तो यह कहलाता है घर्षण के नियम। क्लियर? स्थैतिक घर्षण के नियम और गतिक घर्षण के नियम। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट एंगल। अब जो मैं टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊँगा वह इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्कूल के एग्जाम में भी आने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विराम कोण और घर्षण कोण। विराम कोण और घर्षण कोण, सबसे पहले पढ़ते हैं घर्षण कोण। घर्षण कोण क्लियर, और इंग्लिश में बोलेंगे अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए सिचुएशन को एक बार समझिए इसका, कि सपोज ये कोई सतह है, ये हमने कोई सतह ले लिया और इस सतह पर हम किसी पिंड को ले लिए। मान लो ये कोई पिंड इस सतह पर रखा हुआ है, ये कोई पिंड इस तरह से, क्लियर। अब हम जब इस पर बल लगाएंगे, यदि हम इसमें इस दिशा में बल F लगाएं, तो आपको मालूम है कि इसके विपरीत दिशा में बल उत्पन्न हो जाएगा, क्या? Fs, घर्षण बल, क्लियर। यहां पर हम खींच लेते हैं एक अभिलंब, ये अभिलंब है और इसी दिशा में होगा इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल, मतलब R, क्योंकि इसका भार लगा हुआ है नीचे mg। अब बाएं तरफ देखो तो यहां पर दो बल हैं, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल और दूसरा क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। तो इन दोनों का जो परिणामी है, ये इन दोनों का परिणामी बल है, ये जो मैं बनाया ये है इसका परिणामी बल। परिणामी मतलब रिजल्टेंट, दोनों का परिणामी मतलब आप समझते हैं, इसके और इसके परिणाम स्वरूप जो बल लगेगा वो परिणामी बल है। अब मान लो R और इस परिणामी बल के बीच का ये जो कोण है, इसको मैं लेमडा मान लूं, और यही लेमडा कहलाता है घर्षण कोण, यही लेमडा घर्षण कोण कहलाता है। अब मैं घर्षण कोण की परिभाषा करूं तो इस चित्र से कितनी आसानी से कर सकता हूं। देखो मैं बार बार आपको अपने फिजिक्स के क्लास में एक बात याद दिलाता हूं, मैं चाहता तो पहले घर्षण कोण की परिभाषा को 10 बार आपको रिपीट कर देता, इसे घर्षण कोण कहते हैं, इसे घर्षण कोण कहते हैं, और आप उसको समझ नहीं पाते, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते कि सर क्या बोल रहे हैं, या घर्षण कोण की परिभाषा को यहाँ पर मैं बोर्ड में लिख देता। कई स्टूडेंट्स का मुझे सजेशन आता है कमेंट्स बॉक्स पर कि सर आप जो पढ़ाते हैं परिभाषा वगैरह उसको बोर्ड में लिख दीजिए। एक्चुअल में फिजिक्स इस तरह से बोर्ड में लिखने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स डिस्कशन करने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सब्जेक्ट है। मैं तो PDF में आपको इसके पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा डिले है 11th क्लास का, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करो, क्योंकि मैं 12th क्लास का बना रहा हूँ हिंदी मीडियम का, इंग्लिश तो मेरा पहले बना हुआ है, इंग्लिश का यदि आपको चाहिए तो 11th क्लास का भी इंग्लिश का बना हुआ है, अपलोड हो चुका है, तो हिंदी का बना रहा हूँ, तो सब मेरे नोट्स में आपको मिलेगा। आपको तो कोशिश ऐसा करना चाहिए कि मेरे लेक्चर के दौरान वो सब याद हो जाए। वो लोअर क्लास का है कि टीचर यहाँ पर डेफिनेशन को लिख रहा है, आधा घंटे तक लिख रहा है कि इसे घर्षण को, आप यहाँ सिचुएशन से समझो। तो फिजिक्स समझने का तरीका यह है कि घर्षण कोण की परिभाषा को आप मत रटो, कभी रटो ही नहीं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दुनिया का जो कभी रटने पर बेस्ड नहीं हो सकता, हर टॉपिक समझने के बाद हम उसको अपने शब्दों में बना लेते हैं। देखिए मेरे दिमाग में फिगर है और इस फिगर के बेस पर मैं घर्षण कोण को बहुत आराम से यहाँ पर अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे, आप ध्यान से सुनना, अभी विद इन 1 मिनट आपको इसका डेफिनेशन याद हो जाएगा। क्या कहूंगा मैं, देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल, एक बात सुनिए, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल का परिणामी बल अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। याद हो गया डेफिनेशन। अब इसमें क्या रखा है, बहुत आसान है, आपको चित्र ही खुद बता रहा है कि भाई ऐसे बोल, क्या बोल रहा है, इसका और इसका परिणामी ये है और इसके बीच का कोण ये है, वही घर्षण कोण है, उसी को मैंने शब्दों में सिस्टमेटिक बोला। एक बार और सुनिए और अब भी आपको याद हो जाएगा, कुछ रटने का जरूरत नहीं है। कैसे याद हो जाएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा घर्षण बल का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। तो आप रटो मत, आप उसको विजुलाइज करो, विजुअल आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए, एक चित्र होना चाहिए, इसके 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 बीच का कोण तो घर्षण कोण कहलाता है, तो आपको इमेज होना चाहिए आपके दिमाग में, एक चित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शब्दों को रट लें, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ फिजिक्स क्लास में कि फिजिक्स को आप ब्रेन में शब्दों की सहायता से नहीं, सिचुएशन की सहायता से स्टोर करिए। दोनों में डिफरेंस है, शब्दों को मैंने दिमाग में भर लिया रट के तो वो धोखा देंगे आप, लेकिन आपने यदि सिचुएशन को समझ लिया है कि भाई मेरे पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल था और घर्षण बल था और दोनों का परिणामी था और ये परिणामी जो है प्रतिक्रिया बल के साथ में जो कोण बना रहा था वही घर्षण बल था, आपको फार इवर जिंदगी भर के लिए याद हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको डिराइव करें
तो यहाँ पर हम एक लंब डाल देते हैं, देखो यहाँ पर फार्मूला डिराइव करते हैं, एक लंब डाल दिया, इस बिंदु को मान लो मैं ओ कह दिया, इस बिंदु को ए कह दिया, इस बिंदु को बी कह, तो नेचुरली आपको यहाँ पर दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज क्या, ओ ए बी। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में यदि हम यहाँ पर टेन लेमडा निकाल लें, टेन लेमडा, तो टेन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, लंब ए बी है और बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या है, ओ ए है, तो हो जाएगा ओ ए। दैट इम्प्लाइज टेन लेमडा इक्वल टू ए बी क्या है, यहाँ पर देखो ए बी इसके समांतर है एफ एस के, तो सदिश से हम इसको एफ एस कह सकते हैं। और ये जो ओ ए रेखा है वो क्या है, प्रतिक्रिया बल है, आर है। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा टेन लेमडा इक्वल टू, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एफ एस अपान आर, एफ एस अपान आर, अभी हम तुरंत क्या पढ़े हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब म्यू एस। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि टेन लेमडा जो होता है मतलब घर्षण कोण का जो टेंजेंट है, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा, या आप टेंजेंट ही बोलिए, हिंदी इंग्लिश का कुछ इसमें चक्कर नहीं है, कि इसका जो टेन होता है, टेन लेमडा मतलब घर्षण कोण का जो टेंजेंट है वह स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है, ये दोनों में एक संबंध है। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट घर्षण कोण। इसके बाद हम पढ़ेंगे विराम कोण और फिर दोनों में देखेंगे अपन संबंध। तो क्लियर है घर्षण कोण आपको, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विराम कोण। क्लियर, विराम कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा इमेजिनेशन पर बेस्ड है, मैं एक छोटे से डेमो के हेल्प से आपको इसको समझा रहा हूँ, इस डेमो के हेल्प से आपको मैं बता पाऊंगा कि विराम कोण क्या है। विराम कोण देखिए, विराम कोण बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको ना, विराम कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, नाम से स्पष्ट है विराम। इसको मैं पढ़ाने से पहले आपको कुछ अपने डेली लाइफ में एग्जांपल बताऊं। आपने बच्चों की फिसल पट्टी देखी होगी, बच्चों की फिसल पट्टी गार्डन में लगा रहता है, बच्चे वहाँ पर बैठते हैं, आप भी ऐसा किए होंगे या अभी भी करते होंगे, है ना, अभी आप बच्चे ही हैं। तो जब हम उसमें बैठते हैं फिसल पट्टी में गार्डन में, तो जैसे ही हम बैठते हैं उसमें फिसलने लगते हैं। अब आपने कभी सोचा होगा कि फिसल पट्टी का डिज़ाइन को किस तरह से किया गया है, उसके एंगल कैसे मेजरमेंट किए गए होंगे। सपोज फिसल पट्टी को हम एकदम स्ट्रेट कर देते हैं तो वहाँ पर बैठने के बाद आदमी सीधा नीचे गिर जाता, चोट लगती। यदि फिसल पट्टी के एंगल को और कम कर देते हैं तो बच्चा वहाँ बैठे ही रह जाता, उसको धक्का देने से भी आगे नहीं फिसलता। मतलब आप सोचो उसको डिज़ाइन कैसे की गई, ये सोचने की बात है कि फिसल पट्टी को किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया कि हम बैठते ही बहुत स्मूथली उसमें फिसलते हैं, एंगल ज़्यादा करने से गिर जाएंगे, कम करने से फिसल नहीं पाएंगे। ये जो कंडीशन है घर्षण का, ये क्या है एक्चुअल में, विराम कोण का कंडीशन है। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र बताऊं, देखिए, तो ये यहाँ पर ये क्षैतिज धरातल है, फिसल पट्टी को आप इमेजिन करिए ये, और यहाँ पर इसमें कोई रखा हुआ है पिंड, ये कोई वस्तु रखा हुआ है, ये हम किसी वस्तु के हो इमेजिन किए इसमें ये। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ, देखिए ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल को ही मैं क्षैतिज रखा हुआ हूँ, और ये है पेंसिल शार्पनर है, इसको मैं इसमें रख दिया, अभी ये इसमें फिसल रहा है क्या, नहीं फिसल रहा है। अब आप देखिए, मैं अपने इस बाएं हाथ को स्थिर रख के दाहिने हाथ को उठा रहा हूँ, दैट मीन्स क्षैतिज के साथ इसका कोण बना रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, अभी फिसल नहीं रहा है, अभी भी फिसल नहीं रहा है, अब ये देखिए फिसलने लगा। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि इस स्केल के एक स्पेशल एंगल पर ही वो फिसला, उससे कम में नहीं फिसला था। यदि मैं इसको यहाँ पर रखा हूँ तो देखो अभी नहीं फिसल रहा है, नीचे करूँगा तो फिसलेगा नहीं, और जैसे मैं ऊपर किया तो एक मतलब एक सर्टेन एंगल है हमारे पास, उसी पर ही वो फिसलना स्टार्ट कर रहा है, उससे ऊपर पर तो फिसलेगा ही, वो फिसलेगा क्या, सीधा गिर जाएगा। तो वह मिनिमम एंगल, ध्यान रखना यह न्यूनतम कोण है जिस पर, अब मैं यहाँ पर चित्र से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो मान लो यहाँ पर यह जो कोण है ये थीटा है, और यही थीटा क्या है, विराम कोण है, और इस कोण के बाद ये जो पिंड है वह नीचे की ओर फिसलने लगता है, मतलब वह स्थैतिक घर्षण से
गतिक घर्षण में आ जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना सिचुएशन, क्योंकि रट्टा मार के आप याद नहीं कर सकते, मैं पहले ही बताया आपको। तो यह वह न्यूनतम कोण है जिस पर यह जो पिंड है वह स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण में परिवर्तन हो जाता है, दैट मीन्स सीमांत घर्षण की स्थिति में आ जाता है। अभी मैंने आपके चैप्टर की स्टार्टिंग बताया सीमांत घर्षण। तो विराम कोण क्या हुआ? विराम कोण किसी सतह का क्षैतिज के साथ बनाया गया वह न्यूनतम कोण है जिस पर पिंड सीमांत घर्षण की स्थिति में आ जाता है, दैट मीन्स वह स्थिर स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों की फिसल पट्टी इसी कांसेप्ट पर बनाया जाता है। यदि हम इसे नीचे कर दें कोण को तो बच्चा फिसलेगा ही नहीं, और ज़्यादा कर दें तो स्ट्रेट होने के कारण क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। क्लियर? तो यह है विराम कोण का कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए, ये पिंड का भार है एम जी नीचे की ओर, और पिंड पर जो प्रतिक्रिया बल लगता है पिंड पर ऊर्ध्वाधर ऊपर लगता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि भार के हमेशा विपरीत नहीं लगता प्रतिक्रिया बल, वह पिंड पर लंबवत होता है। जैसे पिंड सीधा हो तो भार नीचे, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर, लेकिन पिंड यदि तिरछा रखा हो तो पिंड पर अभिलंब प्रतिक्रिया ऐसा। भार और अभिलंब प्रतिक्रिया का एक खासियत है, भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है और अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा पिंड पर लंबवत लगता है। ये दोनों सिचुएशन को आप समझना। तो यहाँ पर आप देखो चित्र में ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर इसको मैं आगे कंप्लीट कर दूँ तो 90 होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 90 ये थीटा, तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अपोजिट कोण, यहाँ पर मैं घर्षण को लिख दूँ, इस डायरेक्शन में स्थैतिक घर्षण बल होगा क्या Fs, और mg के दो घटक होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा, देखिए इसके अपोजिट ये वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा, 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और यहाँ पर क्या है, ये लंबवत है। अब mg के हम दो घटक ज्ञात कर सकते हैं, एक ये पास वाला घटक, तो पास वाला घटक क्या होता है, कास थीटा होता है, तो ये हो जाएगा एम जी कास थीटा, और ये दूर वाला घटक है ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये दो घटक यहाँ पर हो जाएंगे एम जी कास थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ पर सीमांत घर्षण की स्थिति में ये जो एम जी कास थीटा घटक है वह आर से संतुलित हो रहा है, और एम जी साइन थीटा है वह किससे संतुलित हो रहा है, एफ ए से संतुलित हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए संतुलन की स्थिति में, संतुलन में मतलब अभी वह सीमांत घर्षण की स्थिति है, संतुलन की स्थिति में, परिभाषा वगैरह लिखने के बाद संतुलन की स्थिति में क्या होगा, एफ एस इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस रिलेशन नंबर फर्स्ट, और ये इसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी कास थीटा बराबर क्या आर रिलेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब हम फर्स्ट में सेकंड को भाग दे देते हैं समीकरण एक में दो का भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कास थीटा दैट इक्वल एफ एस अपॉन आर, दैट इंप्लाइज आगे अब इसको हम यदि साल्व करें तो दोनों को साल्व करने से एम जी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और साइन थीटा अपान कास थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो है अगर टेन थीटा, और आपको पता है एफ एस अपान आर क्या होता है, म्यू एस, ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है, बस आपको फिगर समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट संबंध किसमें, थीटा तथा लेमडा में संबंध। अभी हमने थीटा को क्या बताया, विराम कोण, और इससे पहले हमने लेमडा को क्या पढ़ा, घर्षण कोण। तो दोनों में हम संबंध बनाना चाहते हैं, तो चूंकि हमको पता है कि टेन लेमडा इक्वल टू भी हमने म्यू एस पढ़ा है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू भी क्या पढ़ लिया, म्यू एस, तो दोनों को कंपेयर कर दें, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन लेमडा इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर दोनों तरफ से टेन को इन्वर्स लेने पर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है।
ये विराम कोण है, इससे पहले पढ़ा है हमने घर्षण कोण। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि घर्षण कोण हमेशा विराम कोण के बराबर होता है, क्लियर। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं, तो दोनों की परिभाषा लिखने के बाद आप दोनों के लिए फार्मूला निकालोगे तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए, तो दोनों को डिराइव करने के बाद आप बताओगे कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है घर्षण। देखो घर्षण को बहुत अच्छे समझना इसलिए जरूरी है कि आगे हमको इसको डिटेल में पढ़ना है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक इसमें हैं, जैसे घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि, घर्षण कम करने के उपाय और गति घर्षण के दो प्रकार। गति घर्षण के दो प्रकार मतलब जब कोई पिंड गतिशील होता है तो गतिशील पिंड में भी दो तरह के घर्षण हो सकता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक एक लाइन के मैं थोड़ा थोड़ा आपसे डिस्कस कर दूं और वो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा डिस्कस करने से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गति घर्षण के प्रकार। जैसे कोई पिंड गतिशील है तो उसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है सर्पी घर्षण, मतलब होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब उसको बेलन घर्षण भी बोलते हैं या फिर लोटनी, कई बुक में बेलन भी लिखा रहता है या लोटनी। ये दो तरह का। अब ये क्या है, देखो सर्पी घर्षण मतलब और लोटनी घर्षण मतलब। सर्पी घर्षण मतलब जैसे ये मेरा देखिए डस्टर है, ये इस पे क्या हो रहा है, गति कर रहा है, इस पर फिसल रहा है, मतलब केवल उस पर फिसलना। और रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा मार्कर है इसको मैं गोल 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 इसमें घुमाऊं, जैसे कोई बेलन है, बेलन को अपन ढकेलते हैं तो गोल गोल घूमता है। और मान लो हमारे पास कोई आयताकार वस्तु है जिसको हम जैसे बच्चे किसी ईंटे पत्थर को रस्सी से बांध कर खींचते हैं, वो सर्पी घर्षण है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये दोनों में आप लोग अंतर को अच्छे से कर लेना, कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है, तो सर्पी घर्षण में क्या होता है, कांटेक्ट सरफेस जो संपर्क सतह है सदैव वही बना रहता है, वो बदलता नहीं। और बेलन घर्षण में क्या होता है, उसका संपर्क सतह क्या बदलते रहता है, जैसे बेलन किसी के ऊपर लुढ़क रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक चित्र बता दूँ आपको ऐसा, और यहाँ पर एक गोलाकार वस्तु मैं रख दिया इसमें। अब मान लो इसमें फिसलने लगे, ये सीधा फिसलने लगे, तो केवल ये वाला सतह क्या होगा, संपर्क में रहेगा। लेकिन सपोज ये गोल 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 फिसलने लगे तो इसका संपर्क सतह क्या होगा, बदलने लगेगा। बहुत कॉमन चीज है, आप समझ गए होंगे बात। इसके बाद मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं, तो घर्षण से लाभ, वैसे ये सब आप जानते हैं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट का बात है, लाभ और हानि। तो लाभ क्या है, लाभ तो ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी काम बिना घर्षण के नहीं किया जा सकता। मैं इस मार्कर से बोर्ड में इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि दोनों के बीच में घर्षण है, नहीं तो इंक उसमें जाके चिपकेगा नहीं, फिसल जाएगा। हम खाना खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, मशीन काम कर पा रहा है, जो भी काम हो रहा है घर्षण के कारण है। यदि मैं जिस फ्लोर में यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पैर और फ्लोर के बीच में घर्षण ना हो तो मैं फिसल के गिर जाऊँगा, खाना नहीं खा पाऊँ। दैट मीन्स सिंगल वर्ड में आप कह दो, वी कांट इमेजिन विदाउट फ्रिक्शन, वी कांट इमेजिन वर्क विदाउट फ्रिक्शन, हम घर्षण के बिना कार्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत सारे हैं, आप बुक से कॉमन सेंस पढ़ लेना। हानि, अब इसके बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते, तो घर्षण को तो पूरा दूर कर ही नहीं सकते, क्योंकि घर्षण खत्म कर देंगे तो काम कैसे होगा। तो हानि क्या कही से, मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं, बल की हानि होती है, भाई जमीन में हम चलते हैं तो पैर जमीन के भी घर्षण होता है, हम थकते हैं, टायर घिस के टायर चीखना हो जाता है, खराब हो जाता है, रोड के ऊपर फ्रिक्शन होता है, जरूरी भी है, नुकसान तो है उससे, तो इसके हानि है। इसके बाद घर्षण कम करने के उपाय, कम करने के उपाय, तो कम करने के क्या क्या उपाय हैं, सबसे पहले स्नेहक, स्नेहक मतलब आयलिंग ग्रीसिंग। आपको पता है कि कोई भी मशीन ठीक से काम नहीं करता, ठीक है, पंखे से आवाज आने लगता है, मशीन से आवाज आने लगता है, तो हम उसमें ग्रीस लगा देते हैं, आयलिंग कर देते हैं। तो इस तरह से लुब्रिकेंट्स जिसको बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स डाल के, स्नेहक डाल के हम घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, बाल बेयरिंग का उपयोग करके। बाल बेयरिंग मतलब आपने बेयरिंग ऐसा देखा होगा, ऐसे गोल गोल छर्रे लगे होते हैं, इसको बेयरिंग बोलते हैं। तो बेयरिंग यूज करने से जो गतिशील चीज है, ठीक है, जैसे साइकिल के पहिए में, कार के पहिए में, कहीं पर भी हम बेयरिंग लगा देते हैं, तो ऊपर वाला जब सरफेस घूमेगा नीचे वाले के साथ, तो जो छर्रे हैं गोल गोल घूमेंगे, मतलब सर्पी घर्षण किस में बदल जाएगा,
बेलन घर्षण में, और बेलन घर्षण में घर्षण सर्पीय घर्षण की तुलना में कम होता है जिसके कारण कलपुर्जे कम घिसते हैं। क्लियर? तो ये है घर्षण कम करने के उपाय। अब एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, उस पर आपसे डिस्कस करूं कि रोलर आपने देखा होगा तो रोलर को हम खींच भी सकते हैं, ढकेल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि रोलर को खींचना आसान है कि ढकेलना आसान है, और एक जनरल नॉलेज का भी साइंस का कॉन्सेप्ट है। देख लीजिए, रोलर रोलर का दो कंडीशन मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहले खींचने का कंडीशन, रोलर को खींचना, इस साइड में मैं चित्र बना रहा हूं खींचने के लिए, और इधर बना रहा हूं ढकेलने के लिए। ढकेलना और खींचने में अंतर समझ रहे हैं ना, पुश करना, पुल करना, पुशिंग एंड पुलिंग, ठीक है। एक रोलर है, सपोज एक सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह में हमारे पास एक रोलर है, इस तरह से रोलर में ये हैंडल लगा हुआ है, ये। अब इसको हम खींच रहे हैं, खींच रहे हैं मतलब बल हम इधर लगाएंगे, ये बल की दिशा है। क्लियर? ये है खींचने, मतलब इस रोलर को मैं इधर खींचना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सिचुएशन बना दूँ इस तरह से, ये है ढकेलने का कंडीशन। सपोज ये हमारा रोलर है और ये इसका हैंडल है, और इसको हम ढकेलेंगे, ढकेलेंगे ऐसा, ढकेलेंगे तो पुश करेंगे और ऐसे हम पुल करेंगे, खींचेंगे। दोनों कंडीशन में आप देखो, इस कंडीशन में यहाँ पर इस सिचुएशन पर यदि मैं बल के इसके घटक निकालूँ तो यहाँ पर ध्यान देना, ये एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा और ये इसका क्षैतिज घटक होगा, ये। और यहाँ पर यदि मैं इस कोण को थीटा ले लूँ, क्षैतिज के साथ ये लगाए गए बल को मैं यदि थीटा ले लूँ, तो थीटा लूँगा तो ये वाला जो घटक है वो हो जाएगा एम जी कास थीटा होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्लियर? घटक आ गया समझ में। वैसे यहाँ पर यदि हम ढकेलने वाले कंडीशन में हम बल के घटक यहाँ पर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ये होगा बल का। क्लियर? और ये होगा इसका क्षैतिज घटक। अभी हम ढकेल रहे हैं ना इसको, सॉरी इसको ढकेल रहे हैं, तो इस दिशा में बनेगा, ये होगा इसका क्षैतिज घटक और ये होगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक, और ये मान लो इसका कोण थीटा है, ये बल एफ है, तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये वाला घटक हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये दोनों सिचुएशन को आप देखो, और रोलर का भार है इधर एम जी, और यहाँ पर भी रोलर का भार है यहाँ पर एम जी। अब दोनों सिचुएशन का आप अध्ययन करो, ये दो सिचुएशन है। तो पहले खींचने वाले, ये खींचने वाला कंडीशन, इसमें आप देखो ये एम जी कॉस थीटा तो रोलर को इधर ले जाएगा, गति प्रदान करेगा, और एम जी साइन थीटा घटक क्या है ऊपर की ओर लग रहा है और भार नीचे की ओर है, तो भार जितना है उसको एम जी साइन थीटा कम कर देगा, मतलब रोलर को हल्का कर देगा। मान लो रोलर का 10 न्यूटन का भार है और 2 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो 8 न्यूटन का रोलर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एफ कॉस थीटा तो रोलर को क्या करेगा, इधर ढकेलेगा, लेकिन यहाँ पर एम जी बल है और इधर नीचे ही एफ साइन थीटा भी लग रहा है। यहाँ पर मैं सॉरी एफ का घटक लिखा हूँ ना, तो एम जी के धोखे में लिखे, मतलब एक ही यहाँ पर बल है वो, लेकिन एफ ही रहेगा ना, सॉरी क्योंकि मैं एफ का घटक निकाल रहा हूँ, दिमाग में बैठ चुके रहता है हम लोग के एम जी कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हो गया, चलो ठीक। एफ साइन थीटा यहाँ पर, एफ साइन थीटा नीचे, यहाँ पर एफ साइन थीटा ऊपर, एफ कॉस थीटा यहाँ पर भी रोलर को आगे ले जाएगा और यहाँ पर भी एफ कॉस थीटा रोलर को आगे ले जाएगा, लेकिन एफ साइन थीटा के रोल को आप देखो यहाँ पर ऊपर लगने के कारण ये भार को कम करेगा, क्योंकि भार के विपरीत दिशा में है, यहाँ पर ये नीचे लगने के कारण भार को क्या कर देगा, बढ़ा जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। मान लो 2 न्यूटन का है तो 10 दो 12 हो गया, और यहाँ पर 2 न्यूटन का है तो 10 में 2 घट के 8 हो गया, तो यहाँ रोलर हल्का हो जाएगा, और जब रोलर हल्का हो जाएगा तो काम हमारा आसान हो जाएगा। दैट मीन्स रोलर को क्या करना आसान है, रोलर को खींचना आसान है,
जैसे आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि रोलर को ढकेलने और खींचने में क्या आसान है, तो आपको तुलनात्मक बताना है कि रोलर को खींचना आसान है। इसीलिए आप देखना क्रिकेट ग्राउंड या कहीं पर भी आप रोलर वगैरह या लॉन ग्रास वगैरह में आप रोलर देखा, तो ऐसे पकड़ के हम खींच के ले जाते हैं। या आपने नगर पालिका के वर्कर्स लोग को देखा होगा कचरा लेके जाते हैं तो ऐसा पकड़ते हैं, पीछे उनका कचरे का ट्राली होता है, ऐसा पकड़ते हैं और खींचते हैं। यदि उसी को ढकेलें तो ताकत उनको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और यदि वो ढकेल रहे हैं तो उनको आइडिया नहीं पता है। फिजिक्स का स्टूडेंट शार्प होता है, वो समझता है कहाँ पर मेरा काम। इजी हार्ड वर्क को इजी और सिस्टमेटिक करने का डेफिनेशन ही तो फिजिक्स है, जो हमारा इफिशियंसी को बढ़ाता है और कम बल में ज़्यादा आउटपुट देता है, वो फिजिक्स का मतलब है। ठीक है, तो ये घर्षण बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, घर्षण को आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको लेके आऊँगा घर्षण का वृद्धि गति के साथ में, जहाँ पर कार की गति, साइकिल सवार की गति पढ़ेंगे, वहाँ आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू।